हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। टुडे डेट इज 26 मार्च 2023। तो आज का गेम कुछ ऐसा है, आज की वीडियो में, आज के सफ़र में मैं आप लोग के साथ नहीं रहूँगा। मेरा स्टार्टिंग का बस थोड़ा सा कैमियो है, बाकी आज का पूरा सफ़र आप लोग को इसके साथ में बताना है। तो एक बार मैं इससे आपको मिलवा देता हूँ। हेलो, तो रोहन उधर भी है और रोहन इधर भी है। तो आज आप मेरे साथ चल रहे हैं घूमने, आज आप कुछ सड़ू लोगों के साथ में राहत मिलेगा, कुछ सड़ू लोगों से आप कम मिलेंगे, आप मुझसे इन्जॉय करें मेरे जैसे कूल बंदे के साथ में। तो आज हम जाएंगे पुराना किला, जैसे एज ऑलवेज हम घूमते हैं जा करके, तो आज भी फिर से हमें वैसे ही बाहर घूमने जाना है। हम इन्जॉय करेंगे, मस्ती करेंगे, कुछ बोरिंग लोग आज घर में ही अपने रहेंगे और अपना काम करेंगे। तो आप कुछ और बातें इससे कुछ दफ़ा और बातें कर लें, मिल लें, सुन लें इसकी बातें, फिर इसके बाद हम चलते हैं अपनी जगह पर जहाँ पर हमें जाना है अपने काम पर सफ़र में, ठीक है। आई नो थोड़ा बैकग्राउंड चेंज है क्योंकि पिछले वाले में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही थी, तो इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। वैसे कम अगेन टॉपिक, आज मैं आप लोग के साथ सफ़र पे क्यों नहीं जा रहा, इसका बिहाइंड द रीज़न ये है, मेरा बिजी स्केड्यूल। आज मुझे वीडियो अपलोड करनी है हिमायू टॉम वाली, उसका टाइटल डिस्क्रिप्शन रेडी करना है, उसे फिर अपलोड करना है, और भी कोई ना कोई काम आ ही जाता है। और जो ये वीडियो हिमायू टॉम वाली अपलोड हो चुकी होगी जब तक आप ये देख रहे हैं, तो इसके बाद पहले वाली वीडियो है, पहले वाली, तो वो आप ज़रूर देख लें। कोई नहीं, इस बार नहीं जा रहा, मैं अगली बार जाऊँगा, बट आपको इस बार ये नमूना अपने साथ में घुमाएगा। तो अगर कोई ये कांड वगैरह करता है तो मुझे बताना, मैं इसकी ऐसी तैसी कर दूँगा। तो धूप बहुत है, आंखें ठीक से खुल नहीं रही है, तो मैं चलता हूँ नीचे, आप इन्जॉय करें इसके साथ में। गेम कुछ ऐसा है, दिस इज़ गेम, बाय। तो उसने आपको मेरे हैंड ओवर कर दिया है और हम दिखा देंगे कि हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं उसके बिना। उसे क्या लगता है कि सिर्फ उसे ही आता है एंटरटेन करना और इन्जॉयमेंट, मस्ती में था। वैसे हमें 11 बजे निकलना था, तो मैं ऑलरेडी बहुत लेट हूँ, 12:41 हो रहे हैं, 12:41, 1:19 है, 11 बजे चलना था। तो सौरभ के कॉल पे कॉल आ रहे हैं और वो थोड़ा सा गर्म भी हो रहा है, मौसम भी है और वो भी गर्म हो रहा है क्योंकि बहुत लेट कर दिया, 11 बजे जाना था, मैं 2 घंटे लेट हो रहे हैं। तो फटाक से हम चलते हैं जल्दी से बिना देरी करें, और हीरो ऑल सेट है, देखें आप। टाइम अभी हो रहे हैं 2:23 और हम कहाँ पे आ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन के नीचे उतर चुके हैं, साथ में गौरव, ये अनएक्सपेक्टेड है, पता नहीं था कि मुझे ये आ रहा है, और एक रईस ब्लॉगर उधर छपरी, आज क्रिंज आज आईफोन लाया है, पूरा कॉपीकैट है भाई। और हम कहाँ जा रहे हैं, पुराना किला। तो पुराना किला के बिल्कुल सामने है जू, जब पिछली बार हम आए थे तो याद होगा यही जगह थी, वही सब कुछ यही है। और जिसने अभी तक जू वाला व्लॉग नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चलो आप डाल देंगे, आप बोल देते तो डालना पड़ेगा। बिल्कुल सेम रूट है, सुप्रीम कोर्ट आए हैं हम लोग, अब यहाँ से हमें अंकलों को पकड़ना पड़ेगा, ऑटो वाले या फिर रिक्शा वाले को, और उनके साथ बैठ कर भी जाना पड़ेगा, मुंह फाड़ के वो लोग हेट बोल देंगे, हम बार्गेनिंग कराएंगे और फिर कॉम्प्रोमाइज़ करके वो हमारे साथ चलेंगे। तो इस तरफ है पुराना किला का एंट्रेंस और इस तरफ है जू, जहाँ पिछली बार हम आए थे वो लॉग बनाया था जब बारिश हो रही थी, फंस गए थे बड़े बुरी तरह से, ये वो साइड है और इधर है पुराना किला। तो हम जाएंगे इधर, तो हम पुराना किला की तरफ आ गए हैं, यहाँ पे पीछे काउंटर है, हमें टिकट कटवानी है यहाँ पे, अब ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन हम जैसे भी लेते हैं। और हम लड़के यहाँ पे माथा मगजमारी कर रहे हैं, सब अपने प्रयास में लगे हुए हैं, ये और ये, और लाइन बड़ी लंबी है ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, बहुत क्राउड है। Thank you.
हम लोग पुराना किला के अंदर मैं एंटर कर चुके हैं और मैं उल्टा इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि सन जो है वो मेरे फ्रंट में है, मैं घूम जाऊँगा तो मुँह पे एक्सपोजर कम हो जाएगा और हमारा ट्राईपॉड जहाँ पे सिक्योरिटी थी वहाँ पे सबमिट करवा लिया, जमा करवा लिया जो भी बोले उसको, तो अब हम हाथ से शूट करेंगे। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, धर्म संकट में फंस गए हम लोग, तो अब ये भी शूट कर रहा है यहाँ पे और अभी हमें ऑल ओवर पूरा कोशिश करेंगे अपनी तरफ से, ट्राई करेंगे कि हम कवर कर लें और वो सड़ू घर पे सड़ रहा होगा, तो आप मेरे साथ इन्जॉय करें और क्या बोलते हैं कि बेचारों की जल्दी हम यहाँ पे घूम लें ताकि मैं इंडिया गेट भी जाऊँ, इंडिया गेट थोड़ी सी दूर यहीं से पास में है तो मुझे वहाँ पे भी जाना है, समझे, चलते हैं। और यहाँ पे स्ट्रगल चल रहा है, ये देखे शूट ट्राइपॉड ले लिया तो धर्म संकट में फंसे हुए हैं। वाओ, रिटेक हम आए हैं पुराना किला के अंदर और ये हमें कुछ मिला है, क्या कहते हैं गौरव इसे? पता नहीं भाई, इसे नहीं पता, लेकिन ये पता है मेरे को क्या है। और ये पहले ज़माने का स्विमिंग पूल है, ये पहले ज़माने का स्विमिंग पूल है, यहाँ पे राजा महाराजा दासियों के साथ में, मतलब सॉरी कपड़े धोने में आते थे साथ में, कुछ नहीं, डोंट गेट मी रॉन्ग मैन। और अब चलते हैं इस महल के अंदर में और नीचे घास देख लो, मतलब अगर देखा जाए तो ये हुमायूं जैसी पट्टियाँ और ये अच्छा लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है मेरे को। और यहाँ पे लाइटें हैं ताकि रात में जलाए लोग देखें, काफ़ी आकर्षक लगे जो भी बोलते हैं आकर्षक। अब मैं इसके अंदर जाता हूँ और ये काफ़ी बड़ा है तो अंदर की तरफ चलते हैं। और मैं ज़्यादा सोचूंगा कि सिनेमैटिक्स रखूँ इसमें क्योंकि मज़ा आएगा, ज़्यादा बढ़िया लगेगा। और ऊपर का सीन हमेशा की तरह फिर से ये मुझे बहुत यूनिक लग रहा है ऊपर का इसका, ये क्या कहते हैं इसको, सीलिंग। और मेरा लेफ़्ट साइड ऐसा है बिल्कुल कुछ इस तरह से, ये देखें आप, इधर का आप कैमरा ऑफ नहीं होने वाला काफ़ी टाइम तक, तो आप देखें इसको। और इधर का कुछ ऐसा है, ये देखें, और सेम एज जैसा यहाँ पे है, एज इट इज़ बिल्कुल सेम इधर भी है, बट यहाँ थोड़ा लाइट के कारण नहीं हो पा रहा, हमारे पास अभी भारी जुगाड़ नहीं है। और दीवारें देखें इधर, और गौरव को पकड़ लिया किसी ने फोटो खिंचवाने के लिए, वो लोग मुझे भी आवाज़ दे रहे थे पर मैंने इग्नोर कर दिया, माय वर्क इज़ माय प्रायोरिटी, आई शुड माय वर्क फर्स्ट एंड देन। रोहन भाई बताओ कि नहीं बताऊँ, एक मिनट अभी रुक जाओ, हमारा स्पाई कुछ ले करके आया है बताने के लिए। सो बेसिकली ये है मस्जिद, ये मस्जिद है हाँ। तो गौरव को अभी इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये मस्जिद है और पुराने ये मुझे बता रहा है पुराने किले का मस्जिद है ये, और ये काफ़ी बड़ी जगह है, यहाँ पे हम क्रिकेट बैडमिंटन कुछ भी खेल सकते हैं, काफ़ी मज़ा आएगा, हम साइकिलिंग कर सकते हैं यहाँ पे, रोलर स्केट चला सकते हैं यहाँ पे। और लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, सेकंड फ्लोर पे चले, हम भी करेंगे सेकंड फ्लोर पे चले, इसके सेकंड फ्लोर की तरह है। तो अब हम नेक्स्ट स्पॉट पे चलते हैं, वहाँ देखते हैं। एंड आप सभी के नॉलेज के लिए बताऊँ तो इस दीवार पे कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखें, ये कुछ उर्दू में लिखा हुआ है जो कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, पर आप लोग को समझ आ रहा है तो बताएं। और इस मस्जिद के बाहर ये कुछ डिज़ाइनिंग वगैरह है, पता नहीं क्या है, लेकिन बहुत डिटेलिंग और बहुत आर्टिस्टिक चीज़ है ये। तो बाहर से ये ऐसा है बिल्कुल मस्जिद, एक बार मैं आपको दोबारा से एक बार ओवरऑल व्यू दे दूँ इसका, और वो छोड़ दो गलती जो दिख रहा है, यहाँ देखो आप लोग। और अब चलते हैं हम दूसरी जगह पे, क्या देख रहा है तू, चलो उधर। घर से निकल के कुछ दूर चलते हैं, हम जा रहे हैं। के आते आते हमें एक चीज़ और मिली है यहाँ पे, ये क्या है आई डोंट नो, मैं ज़्यादा कुछ ना वो क्या कहते हैं वो नेविगेशन बोर्ड जो भी है जो भी कहते हैं उसको,
वो कैब्स उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मैं उसमें उतना ध्यान नहीं दे रहा। तो बस ये जो भी एक बार देख लेते हैं ऐसे ओवरऑल इसको, दैट्स इट, काफ़ी है। जीके में तो आएगा नहीं वैसे भी एसएसटी में। और एक चीज़ ये सामने हमारे, आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस बट एक बार हम यहाँ पे देख ले, ये क्या है, हमाम। कुछ पोज करके आपको पढ़ना हो तो पढ़ ले। और अब यहाँ चलते हैं इधर और यहाँ पे हम चढ़ते हैं ऐसे ऐसे इसको। और आप इधर देखें और ये ऐसा है और गौरव इधर पहले से ही खड़ा है। ये मेरे को भूल भुलैया टाइप लग रहा है। अरे भूल भुलैया नहीं है, जो राजा है कि वो थी ना दास दासिया या रानी वानी, नहाने का स्नान है ये। नहाने का स्नान है ये, नहाने का स्थान। ये यहाँ पे रानियाँ नहाती थी दासियाँ और ये उनका रानियों को नहाने के लिए ये जो ढांचा बना हुआ है। मैं भाई यहाँ तो देख ये जो ये बहुत सफोकेटेड लग रहा है मेरे को, यहाँ पे सफोकेशन होगा, घर में मर जाऊंगा। अबे सुन तो ले, ये टॉर्चर करने से बड़ा कुछ लग नहीं रहा मेरे को, नहाते कैसे चलोगे यहाँ पे। ये जो ढांचा है ना यहाँ पे बारिश का पानी इकट्ठा होता था, बारिश होती थी ना तो वो पानी यहाँ से स्लाइड करके जाता था। हाँ, फिर ये जीना है हाँ, वो इसके अंदर जाती थी या बाल्टी वगैरह जिस चीज में पानी लाना होता। बाल्टी कहाँ था उस टाइम, अरे मतलब जो भी था हाँ, उसमें पानी लेके आती थी ये जीना। अच्छा, और नहाती कहाँ थी, नहाने के लिए इस वाले में। तुझे नहाने में बड़ा दिलचस्पी है ये बात सब देख रहे हो, बेबी डॉल में सोने दी, यहीं पे गुलाब छिड़क करके इत्र लगा के नहाओ। अब हम देखते हैं आगे और ये क्या व्यू है यार, व्हाट इज इट। जहाँ पानी भरता था वहाँ देखने जा रहा हूँ नहाने। अरे तेरी की भी पैर मुड़ गया था, चलना अरे उतरना। ये सीढ़ियाँ बहुत खड़ी है भाई साहब, एक बार देखो। हाँ सीढ़ी गई और ये मेरे को कोई देख रहा है यहाँ पे, देख मेरे को कुछ महसूस हो रहा है छलावा यहाँ पे कोई। और यहाँ की सीढ़ियाँ बड़ी खड़ी है यार, ये देखो बहुत बड़ी सीढ़ियाँ यार, उस समय लंबे लंबे टांग वाले बंदे कुछ देख सकते हैं। और ये क्या है, अंदर साइड में ये कैसा चीज है, और ये पीछे ऐसा है। और ये देखे यहाँ पे मैंने फ्लैश ऑन कर दिया, कितनी गंदी स्मेल आ रही है यहाँ पे। और ये रहा वो बारिश का पानी, अरे ये कौन थे, ये बारिश का पानी यहाँ पे आता था ऐसे ऐसे और हटना यार, और यहाँ भरते थे और यहाँ पे नहाया करते थे। क्या ही क्रिएटिव लोग थे उस टाइम पे भी। और ये बाहर तो अब हम चलते हैं बाहर दोबारा से, चलो व्लॉगर हो गया। वहाँ सामने से उधर से आए थे, अरे मेरे उंगली पे फोकस ले लिया इसने। हम सामने से आए थे और उधर का दिखाया था जो मस्जिद था वो, और ये थोड़ी देर पहले आपको दिखाया, और यहाँ पे जस्ट अभी हम खड़े हैं। अरे इधर आओ भागते हुए, 1 2 3 स्टार्ट। ये ग्रीन तो अब हम जा रहे हैं इधर से नीचे यहाँ की तरफ, यहाँ पे बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने को देखने को, तो चलते हैं। एक रास्ता इधर जा रहा है, ये मुझे नहीं मालूम, तो मैं जाऊँगा इधर, मुझे अपनी राह नहीं भटकनी। नीचे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं। और ये क्या चीज़ है भाई, व्हाट इज इट, ये तो वो है ना क्या कहते हैं भांग है ना, मैरिजुआना या फिर गांजा गांजा वीड, बट हमें कुछ नहीं मालूम भाई, हमने ये सब की खेती वेती नहीं करते, कुछ भी नहीं हमारा इसमें, तो हमें नहीं मालूम, हमें बस रैंडमली मिल गया तो हमने देख लिया। और ये सामने यहाँ कुछ खास नहीं है भाई, और बस नीचे चलते हैं। तो हम यहाँ से नीचे जा रहे हैं, अरे बैग किधर है अपना बैग भाई, संभाल के रखियो, नहीं गिरा तो। और ये वो खंड अंदर खंड, चले यहाँ पे दिखाया था, अरे उसी साइड से रास्ता जो हमने दिखाया था। अच्छा तो हमें आगे चलना चाहिए इधर को,
और क्या, लेकिन भाई ये कुछ लग रहा है ना, यप लग रहा है हम अपनी राह भटक गए हैं, गुमराह हो गए। अरे ये क्या है? ये दूसरा खंडर है, किसी ने एक्स्ट्रा खोद दिया। कोई बात नहीं, कोई जोश में आया होगा, खोद के चला गया। रास्ता था, भूल गया। अबे उधर चलते हैं यार, और अब आगे चलते हैं, यहाँ पे बहुत पब्लिक है। भाई ये लोग कहाँ गए? इसके ऊपर, हाँ इसके ऊपर ही चलते हैं। अबे नहीं यार, ऊपर क्या करके जाके छोड़ना, अंदर चलते हैं, मजा आएगा। थोड़ा आर्ग्यू हो रहा है इन लोगों से, बट मेरे को कन्विंस करना पड़ रहा है, मैं ही कन्वे करता हूँ इन लोगों को। इसके ऊपर चलते हैं, सबको नहीं, कुछ कुछ को। तो अब चलते हैं, हम ऊपर नहीं जाएंगे, चलेंगे अंदर, पहले अंदर देख लेते हैं ना, ऊपर चल लेंगे बाद में। यहाँ से चलना है इस तरफ से। तो हम आ गए इधर अंदर, मेरी बात मान ली गई, और ऊपर जाले। यहाँ आते मुझे कुछ खुशबू अच्छी सी आ रही है, और ये कूड़ा कचड़ा कोई नहीं, साफ कर देंगे कभी लोग हमने, क्योंकि मैं बहुत दूर रहता हूँ ना यहाँ से। और फिर यहाँ देखें आप, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। अरे व्हाट अ कोइंसिडेंस ब्रदर, कब मिले हम? आप अभी आए हो? हाँ, तू भी व्लॉग शूट कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ। सही बात है। सो और जो डरता बोलते हुए कृपया आना है रात को, सामने भी चल रहा है। डिस्क्लेमर दे भी कौन रहा है। और सामने देखे, चलते मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ वो देखे, जो नहीं दिखाना चाह रहा वो मत देखो। और यहाँ क्या लिखा है, कुछ ये राम और कुछ उबा लिखा है। अरे बाप रे बाप, सॉरी, राम तक ठीक था, बाकी लवर गिरी मत करो यहाँ पे यार। और ये रहा इतना ही है बस यहाँ पे जो है एंजॉयमेंट। इससे बड़े जैपनीज पार्क चले आते हैं ये लोग। सिंगल लड़की दिख गई है, पागल से क्या दिखा रहा है? इतना खुश तू 500 का नोट देख के नहीं हुआ है, इतना तो सिंगल लड़की देख के खुश हो गया साला, साले हरामी है। और यहाँ बहुत अच्छी जगह है टाइम स्पेंड करने के लिए, क्वालिटी टाइम के लिए आप यहाँ पे आ सकते हैं। स्पेंड करना तो आ सकते हैं। देखो ये किस, ओए एक साथ मत बोला यार, आवाज ऊपर नीचे, स्पेंड कर रहे ब्रो, ये हमारी लायक जगह। ये किस धंधे में आ गए आप सर, क्या हो रहा है आपको? ये किस गेम में आ गए आप? ये जगह हमारे लिए नहीं है, हम उधर चलते हैं। और अब यहाँ देखो, बस इतना ही था ये जो दिखाना था, यहाँ पे देख लिया हमने। अब हमें चलना चाहिए किधर, ऊपर की तरफ, इसके ऊपर। तो अब उधर चलते हैं हम लोग, हैं चारों तरफ का एक बार व्यू हम कैप्चर कर लेते हैं। गाइस आप लोग पे ध्यान दीजिएगा, कहीं और नहीं। वो तू कर रहा है? वो तो मैं कर ही रहा हूँ। परवट वो हमें से देखिए। दिखाने वाला हूँ, उसका नाम है तलाकी दरवाज़ा, या तलकी दरवाज़ा जो भी बोलें आप, जैसा प्रोनाउंस करना चाहे कर सकते हैं। उसके बारे में और कुछ चीज़ें डिटेल्स दे रखी हैं यहाँ पे। और ये रहा वो सामने हमारे, ये देखें आप, ये देख रहे हैं हवा से चलने लग गई जैसे ही मैंने इसकी तरफ कैमरा किया। मुझे पता नहीं लग रहा ये ऑटम चल रहा है कि नहीं चल रहा, लेकिन फील वैसा ही आ रहा है बिल्कुल मेरे को। और आप इधर देखें, काफ़ी ख़तरनाक व्यू, काफ़ी बढ़िया चीज़ें। ये देखें इस तरफ, ये मुझे तहखाने टाइप लग रहा है। और वाव ये क्या सीढ़ियाँ है यार, व्हाट अ ब्यूटीफुल चीज। और ये मुझे बिल्कुल एक तहखाने जैसा लग रहा है। और एक्चुअल में ये बहुत बड़ा है पुराना किला, ये दरवाजे में ताला बंद है इधर। और ये विंडो, कोई झांक रहा है क्या? और अंदर इसके कुछ कनस्तर वगैरह जैसी चीज़ें कुछ रखी हुई है, तो उनको हम नहीं ध्यान देते हैं, बाकी इधर देखते हैं। और उधर सिक्योरिटी गार्ड आ रही है, जिससे कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ व्यू बड़ा अच्छा है यार, बहुत लवली। और मैं इस तला की दरवाज़ा के अंदर चलता हूँ। लोग यहाँ पे इसके अंदर आ चुके हैं, और लेफ्ट साइड का व्यू, ये क्या लिखा हुआ है, खुशी वगैरह लिखा हुआ है, बहुत कुछ पता नहीं क्या है। सनी चल, अरे लड़के वाला सनी है वो। अच्छा। और यहाँ देखिए आप, ये क्या लिखा हुआ है? और सामने का दरवाज़ा, ये तो लग रहा है ये दरवाज़ा मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे कहीं कहीं किसी धार्मिक जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे कलावा बांधते हैं, मन्नत मांगते हैं, तो वो चीज़ें पूरी हो जाती हैं। ये दरवाज़ा मुझे लग रहा है लवर्स के लिए बिल्कुल वैसा ही है, अपने
लवर का नाम, जिसका भी नाम लिखो, क्रश का नाम लिखो और वो आपकी हो जाएगी। यहाँ पे देखिए ये अमीर गरीब कौम क्या है, ये तो पूरे रिलीजन लिख रखा है। यहाँ पे आपको डिटेल सिखाता हूँ पास में, ये क्या है भाई सत्य, इनके तो नाम भी बड़े अजीब अजीब से है। डेट भी लिख रखी है भाई, मैं भी यहाँ पे नाम लिख देता हूँ जल्दी से किसी का। ये तो देख डेट भी लिख रखी है, 7/12/2022 MS। क्या अंजाम दिया है अपने प्यार को, अपने मोहब्बत को। बॉलीवुड और ये हॉलीवुड और ये टॉलीवुड तो ऐसे ही बदनाम है प्यार के मामले में, असली आज की तो यहाँ चल रही है। वाह भाई वाह, लवर का नाम लिखे और इसके ऊपर चलते हैं, अपने लवर का नाम लिखे और 25 दिन में उसको पाले, 25 दिन में पैसा डबल। ये देखिए यस, और ये क्या है हर्षु, बाप रे बाप, लड़का लड़का प्यार कर रहे हैं यश और हर्षु, इनके मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, यहाँ रहना भी नहीं चाहूँगा मैं, इनके नाम के पास भी नहीं रहना चाहता। और ये पत्थर देखें क्या यूनिक चीज़ है यार, ये नेचुरलिटी है। तो ये वो है, उसी के ऊपर आ गए हम, ASI ऑफिस है, ASI ऑफिस है ये। तो यहाँ पे ये पुल टाइप का है, एक बार देखें यहाँ पे सीढ़ी से बना रखा है। ओके ओके ब्रदर, और नीचे कुछ गहरा है कम से कम, इस तरह से देखते हैं यहाँ ज़्यादा गहरा है, पागल वागल है क्या 2-3 फुट, ये 15-20 फुट के कम से कम नीचे गहरा है। और यहाँ पे ये बना रखा है, मैं रिस्क लूँगा, रिस्क है तो इश्क है। और ये वैसे कमज़ोर तो नहीं है इतना, और इधर देखें ये बिल्कुल 90s के मूवी की तरह, यहाँ पे हीरोइन को बांध के रखते होंगे, यहाँ पे पूरी प्लानिंग करके गुंडे रहते होंगे इधर इधर, और रानी को यहाँ पे आके बचाना पड़ता होगा बहुत सारे लेवल, जैसे हम वीडियो गेम्स में खेलते हैं वैसा ही। और ये काफ़ी बढ़िया है, वाह वाह वाह, मैं यहाँ से वहाँ छलांग मारूँ, आई कैन बट मैं नहीं करूँगा, मेरा दोस्त मुझे मना कर रहा है, वैसे डरता वरता नहीं हूँ, बस मैं कर लेता लेकिन मैं करूँगा ही नहीं, अब वो मना कर रहा है तो हम चलते हैं आगे। तो हम दूसरी जगह हैं, बाप रे बाप, वाओ व्हाट अ व्यू, मैं बिल्कुल इतने बसा के रखी, मैं को धक्का दे दियो। और ये देखिए आप उस लोकेशन पे चले, दिस इज क्रेजी गाय, कुछ नहीं हो रहा मेरे को, डर नहीं लग रहा, मुझे मज़ा आ रहा है, मेरा फोकस अभी रिकॉर्ड करने पे है इसीलिए, चारों तरफ से हाँ फिर तो भाई डर रहा होता मैं, जो बात है वन मिनट माइंड योर लैंग्वेज, गलती से टच भी मत कर मेरे को, थोड़ा सा भी छुआ क्या पता, टर्की में बहुत भूकंप आ रहा है यहाँ पे भी आ जाए तो, और मैं यहाँ सोच रहा हूँ कूद के जाऊँ इधर चलेगा, इससे जंप करूँ उधर नहीं कर सकता हूँ, पर लेकिन वापस आऊँगा कैसे, चल 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 चल। और अब मैं इधर से इधर आता हूँ एक बार, आप आ जा वरना मेरे लिए भी न्यूज़ बन जाएगी, वीडियो बनाते बनाते हुआ लड़का घायल, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा ना, आगे सरवाइव भी तो करना है, पठान की तरह जिंदा हूँ बोलना है। और इधर देखें और ये नीचे जाएगा यहाँ से डायरेक्ट, और देखो कितना गहरा है, और अभी कम से कम हम 50-60 मीटर पैदल चल चुके हैं, उससे भी ज़्यादा अप्रोक्स मान के चलते हैं हम 70-80, तो इधर तक आ चुके हैं। और अभी तक ये क्या नाम था, ताली का दरवाज़ा ख़त्म नहीं हुआ है, आगे तक है ये, और इसके ऊपर कुछ इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें, तो बिल्कुल सेम एज इट इज़ जैसे वहाँ पे हमने देखा है उस टाइप का ही है, सिमिलर बिल्कुल, तो ज़्यादा कुछ इनको दिखाने का कुछ फ़ायदा है नहीं, खामखा ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाएगा वीडियो का। और इधर वही पार्क है, लोग क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं यहाँ पे, क्वालिटी टाइम यहाँ पे। अब चलना इधर कुछ यहाँ पे मिला है हमें देखने लायक, तो चलें। और फिर यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही कांड कर रखा है, बट छोड़ो इसको, 4G क्या लिखा है यहाँ पे, अरे यहाँ पे गाड़ी वाड़ी रिपेयर होती है, कुछ मैकेनिकल काम हो रहा है यहाँ पे, लग रहा गाड़ी रिपेयर होती है, तो आगे चलते हैं, यहाँ से चढ़ियो और चढ़ जाऊँगा यहाँ से मैं ऊपर, चढ़ने की बात हुई है आगे शायद कुछ होगा, और ये सब क्या है, कुछ बिल्कुल टूटी फूटी चीज़ें जो बिल्कुल फॉलन फोर्ट की तरह एक पड़ा हुआ है यहाँ पे,
तो हम आगे चल के और देख लेते हैं। और ये दीवार और ऊंची होती हुई जा रही है। ईगल गई पीछे, ये जगह छोड़ी जाती थी वो लगाने के लिए, क्या कहते हैं उसको, क्या तीर धनुष निकालने के लिए, ये रही ना वो, तो यही रही जगह वो यहाँ से लोग हमला करते होंगे मशाले लगाने के लिए। अच्छा ये जगह थी मशाले लगाने के लिए, नाइस। क्या गैस करते हो ब्रदर तुम? तो अब इधर से हम निकल जाते हैं बाहर, जो था वही था बस, जितना देखा हमने, जिसको अभी मैं आपको दिखा रहा था, जिसका व्लॉग कर रहा था। और इधर से देखते देखते हम पता है कहाँ आ गए, बिल्कुल मेन डोर पे, जहाँ से हम एंटर हुए थे वहीं से एग्जिट। मुझे लग रहा है हमें सामने की तरफ जाना चाहिए, सामने की तरफ हम नहीं गए थे, वहाँ पे बहुत कुछ था घूमने को, हम जल्दीबाजी में उस टाइम पे बिल्कुल बेसब्रों की तरह सीधे भाग गए थे, इन पेशेंस की तरह। तो हमें अब वहाँ चलना चाहिए आगे की तरफ, क्या है कुछ देख के आते थोड़ा बहुत, और फिर इंडिया गेट जाने का मन है मेरा, इंडिया गेट बहुत पास है यहाँ से। हमने क्या क्या घूम लिया, क्या क्या नहीं घूमा वो हमें एक बार गौरव बता देगा। गौरव बता भाई कहाँ कहाँ घूमे। हम मॉस्क्यू जा चुके हैं, हाँ शेर मंडल हम घूमे हैं, ठीक हाँ। फिर ये भी हम घूमे, एक्सक्यूवेटेड रिमेन्स। अब हम जाएंगे म्यूजियम में और हुमायूं दरवाजा, हुमायूं दरवाजा, और ये तलांगी दरवाजा भी हम घूमे, जस्ट अभी तलांगी दरवाजा, हाँ हाँ तलांगी दरवाजा बिल्कुल जस्ट अभी हमने घूमा है। और ये गए हम म्यूजियम, म्यूजियम जाना है और हुमायूं दरवाजा जाना है हमें, तो लेट्स गो विथ अस। जस्ट दो तीन कदम पार करने के बाद हमारे सामने है आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, तो इसके अंदर हम जाएंगे। और मुझे मालूम नहीं इसके अंदर कैमरा अलाउड है कि नहीं, बट हम ट्राई करेंगे। और यहाँ पे कुछ 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 है लिखा हुआ इसके बारे में, एक बार हम देख लेते हैं अच्छे से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है फ़ोटो खींचना और वीडियो बनाना, बट मैं अभी पीछे निकाल रहा था तो आदमी ने कहा कि नहीं फ़ोटो नहीं खींचनी ना वीडियो बनानी है, तो चुपके से मैं पीछे आया उसके, और अब मैं बना रहा हूँ और तुरंत जल्दी से बंद भी कर दूँगा। तो मैं थोड़ा बहुत यहाँ का ब्लॉग दे देता हूँ, व्यू दे देता हूँ, ठीक है। ये शिव पहले ज़माने की मूर्तियाँ हैं, भगवानों की है ये, लिखा हुआ है कुछ। इंडिया में आर्ट की कमी नहीं है यार, देख रहे हैं, वाओ। ये सभी किसी न किसी भगवान की मूर्तियां हैं, फोटो हैं, तो आप यहाँ देखें एक बार। और ये हाथी पत्थर का बनाया हुआ, वाओ इट इज टू नाइस। सिनेमैटिक ले लें यहाँ के, छोड़ना कितना सिनेमैटिक पे लेगा, सिनेमैटिक छोड़ है बता, नहीं ले सकता मैं तो, लेने को बोलता हूँ, तो अपने टच करके देखता हूँ। असली है भाई, असली है डिवाइन की तरह। ये स्टैचू कैसे, ये ब्रोकन है मेरे ख्याल से, नहीं 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 अलग अलग है सब। I can touch it and I can feel the texture, too rough. Oh, मेरी इंग्लिश इम्प्रूव हो गई रे बाबा। और क्राउड बढ़ गया दोबारा से पीछे, और मैं थोड़ा अवेयर हूँ और अलर्ट भी हूँ एज वेल एज कि पीछे से गार्ड वार्ड ना आ जाए। हमारा सामान तो दिखा था राजपूत, मेरा सामान है, और ये देखें आप, ये देख लें राजपूत काल का सामान, राजपूत काल का सामान, वाओ टू लवली इट इज़ वेरी नाइस मैन। और इधर ही तक मैं रखूँगा लेफ्ट साइड में, इधर लेफ्ट साइड में गार्ड बैठा हुआ है कुछ मेरे मुंह से पटाख निकलने वाला था लेकिन मैंने कंट्रोल किया, बिहेव में आ जाए रोहन, तो अब चलते हैं बाहर। तो जस्ट अभी हम म्यूज़ियम से बाहर आए हैं, म्यूज़ियम हमने पूरा एक्सप्लोर कर लिया, देख लिया, मुझे कुछ खास इंटरेस्टेड लगा नहीं, तो बस एक चीज़ एक्सप्लोर करना हमारे लिए रह गया है, वो है हुमायूं दरवाज़ा। तो एक बार वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं हम लोग इंडिया गेट की तरफ या फिर घर। तो एक बार मैं उसको देख लूँ किस तरह से कुछ आइडिया मिल जाए, तो मैं दोबारा कैमरा ऑन कर दूँगा। ओके तो एक बार देखते हैं हुमायूं दरवाज़ा। तो हम इधर से होते हुए अभी आए हैं और यहाँ पे उस टाइम गए थे इस वाले में, ठीक है। और ये भी देख लिया हमने, तो हमें सामने का देखना है, सामने ऐसा ऐसे हुमायूं दरवाज़ा, तो लेट्स गो अहेड, तो चलते हैं आगे।
तो मेरे पीछे है हिमायू दरवाज़ा जो लास्ट था, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। तो एक बार मैं आपको इसको दिखाता हूँ। जरा ये देखें, इसके ऊपर का कुछ ऐसा है और नीचे आते आते ये सारी चीज़ें, यहाँ सब कुछ आर पार है, कुछ मतलब ऐसा दीवार नहीं लगी हुई है। इधर बड़ा ही डार्क है और वो चले गए अंदर गौरव और सौरभ, और ये चारों तरफ से इस तरह का है और आगे सीढ़ी। और अभी टाइम 5:30 के आसपास हो रहा है, मुझे लगा मैं पूरा एक्सप्लोर नहीं कर पाऊँगा बट हो गया। उधर कहाँ है? तो एक बार अंदर की तरफ मैं भी चलता हूँ उनके पास में। चले? वो खड़े हैं काफ़ी दूरी में, और सीढ़ी यहाँ की अच्छी है, छोटी छोटी, और वहाँ बहुत बड़ी बड़ी थी। अब देखें यहाँ से बंद है। और ये जो गोल्डन आ रहा है सनलाइट की खूबसूरती को बढ़ा रही है, चार चांद लगा रही है, इट इज़ रियली नाइस। अंदर से कुछ ऐसा है ये, मेरे लेफ्ट साइड में ये और राइट साइड में ये, और कुछ इस टाइप से ऊपर से ऐसा अंदर से ऐसा। तो अंदर चलते हैं हम एक बार। ये पुराना किला के साथ में एक फॉलन फोर्ट भी लग रहा है, टूटा हुआ गिरा हुआ घर। यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं पर यहाँ पे बंद कर रखा है, ताला लगा हुआ है, वरना हम ऊपर जाते हैं इसके। ओके, तो हम आगे की तरफ चलते हैं। इधर यहाँ से इधर देखिए एक बारी अंदर, यहाँ पूरा खाली है। और ये मुझे वैसे ही जैसे बताया था गौरव ने उस टाइम कि ये मशाल के लिए, कुछ ऐसा ही लग रहा है मेरे को भी। और ये रहा, यहाँ पे भी लवर्स ने अपने नाम लिख रखे हैं, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। और बस कुछ नहीं ज़्यादा यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ये तो गज्जक की तरह लग रहा है जो हम मकर संक्रांति में खाते हैं, किसी चॉकलेट टाइप। और ये जो शोर आ रहा था पीछे से एक आवाज़, वो मोर की आवाज़ है। गज्जक एक और मिल गया यहाँ पे, बहुत सारे गज्जक हैं यहाँ पे, ये बड़े वाला। और इधर देखें, बस स्टिल एंड ख़त्म, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इतना ही है यहाँ पे। और अब हम चलते हैं बाहर की तरफ। तो अब टाइम हो गया घर जाने का, अब 5:30 बजने वाले हैं, और 5:30 पहले भी, अब 6 बजने वाले हैं। तो अब चलते हैं, सब कुछ हो गया, देख लिया, हम आ चुके हैं इस तरफ। ये ब्लर है क्योंकि मेरे पे फोकस है इसका। तो अब घर चलते हैं, घर नहीं इंडिया गेट जा रहे हैं हम, वहाँ पे घूमते हैं, हो सके तो इंडिया गेट नहीं भी जाए। तो हम निकल चुके हैं पुराना किला से बाहर, और हमने कचौड़ी खाई, बहुत बकवास, आप लोग मत खाना यहाँ पे, थोड़ा सबर कर लेना, जो हम नहीं कर पाए, जो हमें है भी नहीं। और अभी आइसक्रीम खा रहे हैं, और हम जा रहे हैं इंडिया गेट के पास, और अपना लौंडा व्लॉग कर रहा है सामने, और गौरव इन द हाउस। दिमाग ख़राब हो गया गाइस, पैर दुख चुके हैं पूरे, थक जाऊँ भाई बहुत गंदा, बस इतने में ही। तो कचौड़ी खाने के बाद, आइसक्रीम खाने के बाद, अब हम आ गए हैं इधर कोर्ट पे, हम जा रहे हैं इंडिया गेट की तरफ, इंडिया गेट हमारे राइट साइड में, तो चलते हैं। और लोगों की टोलियाँ आ रही हैं, वो मुझे देख रहे हैं, और मैं उनकी तरफ देख लेता ताकि मैं नर्वस ना हो जाऊं, और मैं थोड़ा ऐसा क्या बोलूं, कुछ नहीं बोलने के लिए ही नहीं कुछ। तो इंडिया गेट जो यहाँ दिख रहा है काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी टाइम बाद मैं इंडिया गेट को दोबारा देखने आया हूँ, काफ़ी टाइम बाद, मुझे याद नहीं मैं कब देखा था लास्ट टाइम। और ये
कोर्ट है ना, कौन सा हाई कोर्ट, और हमारे लेफ्ट में हाई कोर्ट, और सामने का व्यू ऐसा, पेड़, और ये रही इंडिया गेट की चोटी। तो चलते हैं आगे। पहले फाइनली वी केम इंडिया गेट, इन फ्रंट ऑफ इंडिया गेट, तो थोड़ा उधर है, मतलब फ्रंट पे नहीं है उसके, और सामने एक जो स्टैचू वाला होता है चार वाला, तो वो देखते हैं। और सामने इंडिया गेट, यहीं पे वो परेड भी होता है इसी रोड पे आगे। मैं काफ़ी टाइम बाद आ रहा हूँ, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा अजीब सा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, वो काफ़ी माइंड में फेडेड हो गया था। तो अब इंडिया गेट देखेंगे और सामने वो, ये क्या है, ये क्या है, ये पता नहीं कौन सा, पता नहीं कोई एक स्टैचू है और वो चार पिलर लगे होते हैं, मैं जानता नहीं इसको, अभी पता चल जाएगा मेरे को, जब मैं छोटा था तो मुझे मालूम नहीं, और बहुत क्राउड है यार इंडिया गेट शॉट्स। एंड लुक एट हेयर, सामने अपने लड़के आ रहे हैं, और इधर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये मुझे इसका नाम नहीं पता ये क्या है, बट जो भी है, विथ ऑल रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड्स आई कॉल्ड दैट। और ये क्या है, आई डोंट नो, बहुत सारी नई नई चीज़ें आ गई हैं, और यहाँ बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं अपने हिस्ट्री के बारे में हमारे। और ये है सुभाष चंद्र बोस जी की कुछ ऐसा पोर्ट्रेट, क्या पिक्चर बोले, फोटो बोले, ये मुझे कुछ इस तरह का ही लग रहा है, सुभाष चंद्र जी बोस वाला। और कंफर्म हो गया वो, ये सुभाष चंद्र बोस जी हैं, और ये भी वही हैं, उन्हीं की ऐसा कुछ पोर्ट्रेट या फिर क्या बोलते हैं फोटो पिक्चर, जो भी बनाना चाह रहे हैं, जो भी, बिल्कुल नया बनाया रिसेंट में, पहले बहुत पहले नहीं था ये सब। और क्राउड एज वी ऑलवेज नो होना चाहिए, यहाँ पे होता ही है। और ये रहा, वाओ इंडिया गेट, व्हाट अ ब्यूटी, ये मेरा फेक एक्सेंट है, सामने बिल्कुल देखा जाए तो मेरे को दिख रहा है, ये है राष्ट्रपति भवन बिल्कुल सामने इधर, ये अभी ले चलता हूँ मैं, ये पटराई लेकिन ये वही है, मुझे यहाँ तो दिख रहा है। और ये सन कितना अच्छा लग रहा है, काफ़ी बढ़िया टाइम, एकदम गोल्डन आवर। और ये रहा इंडिया गेट, इंडिया गेट के ब्रिक्स पे जो है उस पर बहुत सारे नेम्स लिखे होते हैं, और पीछे दिख रहा है हल्का हल्का, देखे जरा राष्ट्रपति भवन शो हो रहा होगा हल्का, ये देखो। और मैं बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुका हूँ इंडिया गेट के, और ये कम छोटा नहीं है, बहुत बड़ा, मैं इसको थोड़ा देख के समझ पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ। और पहले सामने अमर ज्योति जलती थी, पहले यहाँ पे अमर ज्योति जलती थी, अब वो पता नहीं हटा दिया गया है, आई डोंट नो, और अब इससे आगे मैं जा नहीं सकता यार, यहाँ पे इसके अभी अंदर कैसे घुस गई फोटो खिंचवाने। इंडिया गेट का साइड साइड से ऐसा है, गेट के बैक साइड में आ चुका हूँ, पहले था मैं उस तरफ, वो जो स्टैचू वाला है वो मेरे पीछे था, और अब मैं इस तरफ आ चुका हूँ बैक साइड में, और यहाँ अमर ज्योति जलती सी नहीं है जैसा मैंने बता दिया पहले ही। तो और सामने राष्ट्रपति भवन, और इसी रोड पे होते हैं परेड, मोदी लेफ्ट या राइट साइड में बैठते होंगे, और भी लोग आते होंगे। तो हम अब बहुत थक चुके हैं, इंडिया गेट देखना देख लिया, पुराना किला सब देख लिया, अब हम थक चुके हैं, तो हम अब एग्जॉस्ट होकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, और घर जाने का थोड़ा इंतजार कर रहे हैं, थोड़ी मतलब घर जाएंगे थोड़ी देर में, तो जब तक आराम फरमा रहे हैं, और आसपास का व्यू नज़ारा देख रहे हैं, यहाँ पर मुझे आके बहुत अच्छा लग रहा है। नाउ इट्स टाइम 6:40, और अब वक्त हो गया घर जाने का, तो हम घर जा रहे हैं, पुराना किला देख लिया अच्छी तरह से देख लिया, लाल इंडिया गेट भी देख लिया, तो अब हम तीनों थक चुके हैं बहुत ज़्यादा, तो अब घर जा रहे हैं, और अब ब्लॉग पे लगाते हैं फुल स्टॉप, अल्पविराम, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट एपिसोड में, तो ये सीजन 2 का एपिसोड 2 है, ओके, तो बाय, ठीक है, सब बोल दो बाय बाय, बाय। वेल दिस इज गेम, सो नाउ इट्स टाइम फॉर 6:40, 1-2-3 स्टार्ट, सो नाउ इट्स टाइम फॉर 1-2-3 स्टार्ट, पक्का पक्का वाला स्टार्ट, क्या हो रहा है 6:40 ना।